दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत से सुपरस्टार सिंगर हैं, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जैसा सिंगर शायद ही कोई होगा। आपको बता दूं कि पवन सिंह ने एक इतिहास बना दिया है। हाँ जी, मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आप यह वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुश दुबे, आप सभी का चर्चा में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि अभी कुछ दिन पहले पवन सिंह ने एक हिंदी सॉन्ग का भोजपुरी में रीमेक किया। लुट गए सॉन्ग का टाइटल था, जो कि टी सीरीज से रिलीज हुआ, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है कि भोजपुरी के बहुत सारे सिंगरों ने टी सीरीज से गाने गाए हैं। उनके नाम के आगे टी सीरीज का फेम लगता है, लेकिन टी सीरीज का जो मेन चैनल है, जो वर्ल्ड का नंबर वन म्यूजिक चैनल कहा जाता है, 137 या 38 मिलियन कुछ सब्सक्राइबर हैं। उस चैनल से आज तक किसी भी भोजपुरी सिंगर, भोजपुरी कलाकार का कोई भी गाना रिलीज ही नहीं हुआ है। यही एक बहुत बड़ा इतिहास है कि किसी भोजपुरी सिंगर का उस मेन चैनल से गाना रिलीज हुआ है, क्योंकि उस चैनल से बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड के सॉन्ग, बॉलीवुड की फिल्में, साउथ की कुछ फिल्में, वो सब कुछ रिलीज करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पावर स्टार पवन सिंह का गाना, भले ही वह बॉलीवुड का रीमेक हो, बॉलीवुड के गाने का वर्जन हो, लेकिन मेन चैनल से रिलीज हुआ है। यह भी कर सकते थे कि बॉलीवुड का रीमेक करा के किसी दूसरे चैनल पे छोड़ देते, लेकिन नहीं, मेन से ही रिलीज हुआ है। और यही नहीं, उसी गाने का कुछ दिन के बाद, दो तीन दिन बाद, शॉर्ट वीडियो भी डाला गया है। YouTube शॉर्ट्स डाला गया है 1 मिनट का पवन सिंह का, जैसा कि आप लोग इधर देख सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि आज के टाइम पे भोजपुरी कलाकार को भी, जो बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनियां हैं, क्योंकि टी सीरीज कोई छोटी मोटी नहीं है, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में नंबर वन म्यूजिक कंपनी कही जाती है। तो यह बहुत बड़ी बात है, सिर्फ पवन सिंह के लिए ही नहीं, भोजपुरी के लिए भी, भोजपुरी कलाकारों के लिए भी। और मैं आशा करता हूं कि जैसे पवन सिंह ने यह शुरुआत की है, पवन सिंह की वजह से हम लोगों को यह मान और सम्मान मिला है, वैसे ही और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्हें अब चांस मिलेगा, वो टी सीरीज के साथ काम करेंगे। और मेन चैनल से काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, टी सीरीज से गाने रिलीज हो रहे हैं, लेकिन जो 137-38 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल है, उससे गाना रिलीज नहीं हो रहा है। नहीं तो बहुत सारे लोगों का टी सीरीज से भी गाना रिलीज हो रहा है। और दूसरी बात, पवन सिंह का गाना जब से रिलीज हो रहा है तभी से वह ट्रेंड कर रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम पे एक नंबर पे ट्रेंड कर रहा है म्यूजिक सेक्शन में। बहुत बड़ी बात है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आपको क्या लगता है कि पवन सिंह ने भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाया है या फिर नहीं, प्लीज हमें कमेंट जरूर करें।